वाराणसी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीम ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीआरएफ की टीम ने 2015 से अब तक घटनाओं में किए कार्यों के बारे में बताया है। एनडीआरएफ की टीम ने 2015 से अब तक जिन जिन मौकों पर अपनी सेवाएं दी है उसकी जानकारी दी। बता दें कि 11 एनडीआरएफ का गठन 15 सितंबर 2015 को हुआ था, जिसका वाहिनी मुख्यालय वाराणसी के चौका घाट स्थित गौतम बुद्ध भवन में है। फिलहाल ये टीम उत्तर प्रदेश के 57 जिलों और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सक्रिय होकर काम कर रही है। एनडीआरएफ लगातार लोगों की जान बचाने के अभियान में जुटी हुई है। कोरोना, बाढ़, सूखा या फिर अन्य कोई आपदा हो तो उस वक्त एनडीआरएफ की टीम काम में जुटी रहती है। इसके अलावा प्रयागराज में महाकुंभ का व्यवस्थित ढंग से आयोजन करवाना हो या मध्य प्रदेश में सिंह महाकुंभ का आयोजन करवाना, हर मौके पर एनडीआरएफ ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी सेवाएं दी हैं। आज एनडीआरएफ 11 के नए कमांडेंट की भी नियुक्ति हुई है। मनोज कुमार शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में आने वाली हर आपदा के लिए हमारी एनडीआरएफ की टीम तैयार है। मूल उद्देश्य ये है कि ये एक हमारा वार्षिक क्रियाकलाप है। हम एक वर्ष में एक बार आप लोगों के सम्मुख आते हैं। उस दौरान हम पिछले एक वर्ष में जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनकी जानकारी आपको मुहैया कराते हैं। जो हमने पिछले वर्षों में ऑपरेशंस हुए हैं उसमें हमारे जो लेसन लर्नड हैं उनके आधार पर जो हमने अपनी ट्रेनिंग इम्प्रूव किया है और हमारी जो तैयारी है उसके मद्देनज़र रखते हुए हम समाज को, प्रशासन को ये बताते हैं कि हम किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचने के लिए, बचाव करने के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं। और आप एनडीआरएफ पर विश्वास रखिए। और एनडीआरएफ के लिए कहा जाता है कि फ्रेंड इन नीड, तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एनडीआरएफ एक सेवियर रेस्क्यूअर फोर्स है और किसी भी तरीके की आवश्यकता होगी तो हम आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेश के 57 जिले यानी 57 डिस्ट्रिक्ट की हमारी जिम्मेवारी है और हम लगातार नहर विभाग, सिंचाई विभाग, जो इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट है यानी मौसम विभाग, इन सबसे लगातार संपर्क में हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीआरएफ, सभी के साथ में हमारा कंट्रोल रूम संपर्क में है और कहीं भी किसी तरीके की इस तरीके की अगर आशंका बनेगी बाढ़ की तो हम तुरंत वहाँ पर प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन की जानकारी से हम तुरंत अपने आप को वहाँ पर पहुंचाएंगे और मदद देंगे। कि हमारे एनडीआरएफ के सभी लोगों का डबल वैक्सीनेशन हो रखा है, नंबर एक। नंबर दो, हमने उनको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में जागरूक किया है और अच्छे से ट्रेन किया है। आप देखेंगे कि हमारे जो भी रेस्क्यूअर्स हैं, पिछले जो भी ऑपरेशन हुए हैं हाल फिलहाल में, आपने देखा होगा कि सभी ने डबल मास्किंग किया हुआ है और एक तरीके का हुड है जिसका प्रदर्शन हम एग्जीबिशन में करेंगे कि उस हुड को पहनकर हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो यास तूफान आया था उस दौरान भी हमारे सभी रेस्क्यूअर्स ने एक विशेष प्रकार का हुड है जो कि हमें कोरोना से बचाव प्रदान करता है। और आने से पहले सैनिटाइजेशन, आने के बाद इक्विपमेंट का सैनिटाइजेशन और जो भी डॉक्टर्स की और जो भी विशेषज्ञों की इस विषय में इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं को हम पूर्णतया पालन करते हुए ये काम करेंगे। और इसके साथ मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं उन लोगों के भी हम उनको भी सैनिटाइजेशन और इस सब के बारे में बताते हैं, फ्री मास्क वितरण करते हैं, सैनिटाइजर देते हैं और उनको भी बताते हैं कि आप भी कोरोना एप्रोप्रिएट बियर का पालन करें। अवन को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। हमारी 6 टीमें तो वाराणसी में ही स्थित हैं, जिसमें 2 टीमें हमारी घाटों पर अवस्थित हैं और चौका घाट, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, वाराणसी के ही आपके बिल्कुल जिसको कहते हैं सेंटर में है। हम यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हमारी जो फ्लड रेस्क्यू टीम्स हैं, हमारी जो बोट्स हैं, हमारे डीप डाइवर्स हैं इक्विपमेंट के साथ में, और हमारे जो चिकित्सीय दल हैं वो अपने फर्स्ट मेडिकल रेस्पॉन्डर वो सारे के सारे वहीं पर मौजूद हैं। और हम काशी विश्वनाथ प्रशासन और नगर प्रशासन दोनों के संपर्क में हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एनडीआरएफ किसी भी तरीके की, पहली बात तो ऐसा कुछ होगा नहीं, अगर होगा तो हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से अंजाम। लोगों से हमारी यही अपील है कि जो भी प्रशासन के समय समय पर निर्देश होते हैं, चिकित्सा विभाग के समय समय पर निर्देश होते हैं, उनका पालन करें।
जल्दी से जल्दी अपनी डबल डोज वैक्सीनेशन की पूरी कराएं और जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। जैसे आपने मास्क लगा रखा है, मैंने मास्क लगा रखा है, आप यहाँ आए, आपने अपने हाथों को सैनिटाइज किया, फिर आप यहाँ अंदर आए, हमने आपकी सीटिंग अरेंजमेंट का भी इस तरीके से व्यवस्था करी कि एक दूरी बनी रहे। तो ये छोटे छोटे सूत्र हैं, इनका पालन होगा तो हम कोरोना से बचेंगे। देखिए ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि ये हर एक जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है आप ले सकते हैं, हर एक वर्ष हर जिले का अलग अलग रूपरेखा होती है। ये डिपेंड करता है कि किस नदी में कितना जल आया, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है उसमें यहाँ पर जो वर्षा होती है, इसके साथ साथ जो हमारा सीमावर्ती देश है नेपाल उसमें कितनी बारिश होती है और नेपाल से आने वाली जो नदियाँ हैं वो कितना जल लेकर उत्तर प्रदेश में आती हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर आपको पिछले वर्षों का डाटा चाहिए तो हम आपको मुहैया करा देंगे, हमारे पास उपलब्ध है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।